सबसे पहली वजह यह है इस फिल्म देखने की, जो इस फिल्म की कहानी है जो डायरेक्टर असगर फरहदी, उन्होंने स्क्रीन प्ले खुद लिखा, उनके जहन में एक इमेज था अ मैन वॉशिंग हिज फादर, क्लीनिंग हिज फादर, सिर्फ एक इमेज था और इसके गिर्द उन्होंने पूरी कहानी लिखी है। और उसके बाप को अल्जाइमर है जो उसको नहीं पहचानता, उसके गिर्द पूरी कहानी लिखी है। किस तरह उन्होंने लिखी है आप जरूर देखें, और कहानी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, इस मेरिल स्ट्रीप की ये फेवरेट फिल्म है। अच्छा, ये ब्रैड पिट की फेवरेट फिल्म है। जैक जिलेनहॉल ने इस फिल्म को सराहा है। अच्छा, ये फिल्म जब नॉमिनेट हुई तो सीख भाई, ये फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, लेकिन उसमें जो अवार्ड जीता था स्क्रीन प्ले का, वो वुडी एलन ने जीता था अपनी फिल्म मिड नाइट इन पैरिस में। लेकिन उसने जो कि अगेन बहुत जबरदस्त फिल्म है, और उसने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ 2011 की बेस्ट मूवी ये थी, हालांकि मुझे अवार्ड मिला मेरे स्क्रीन प्ले को। वाह, लेकिन उसका बड़ापन कि उसने कहा कि नहीं, सेपरेशन जो है वो मेरी फिल्म से बड़ी ज्यादा बड़ी फिल्म है। अच्छा, इस फिल्म ने, तौसीक भाई, ये पहली फिल्म है जिसको बाफ्टा अवार्ड मिला, ये पहली फिल्म है, दूसरी फिल्म है ईरान की जिसको ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, और इससे पहले चिल्ड्रन ऑफ हेवन है जो कि माजिद मजीदी की है।